इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। साय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, साय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है। कई विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में पहले से एक पद खाली था और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद एक और पद खाली होने की भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें नए मंत्रिमंडल का गठन जल्द ही हो सकता है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें, साय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। कई विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है, वहीं मंत्रियों के विभाग भी बदल सकते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे जुड़ चुके हैं। जी कुलेश्वर जी, मंत्रिमंडल साय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की सुगबुगाहट आ रही है, साथ ही विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए बिल्कुल सिमरन, अभी भी वर्तमान में मंत्रिमंडल का एक पद खाली है, अभी भी उसमें एक मंत्री को एक विधायक को जिम्मेदारी मिलनी है मंत्री की। साथ ही बिजमोहन अग्रवाल जो अभी वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री है, वो लोकसभा रायपुर से चुनाव लड़े हैं। ऐसे में अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर मंत्री पद का मंत्री का एक पद और खाली हो जाएगा। ऐसे में दो मंत्री पद के जो पद है वो खाली रहेंगे। निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल के जो फेरबदल में सुगबुगाहट तेज हो गई है, कई विभागों में भी बदलाव हो सकता है। सारे जो दो पद खाली होंगे उसमें नए विधायकों को जो है मौका दिया जा सकता है। हालांकि ये सब लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही कोई फैसला लेगा, लेकिन निश्चित तौर पर सुगबुगाहट जो है काफी तेज हो गई है। जल्द जो है हमको मंत्रियों के विभागों में फेरबदल देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। जी जी कुलेश्वर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है।